और हम इसीलिए फ्रंट लाइन पे चली थी कि सबसे पहले तो हम पे हमला करें जिसने भी करना है, लेकिन फिर भी हमारे कुछ बच्चे उन्होंने दबोच लिए। खुदा ताला उनके हाथों को दोबारा हिम्मत ना दे कि वो इंसाफ की जंग में हमारा साथ दे सके। जिस तरह वो इस रास्ते पे चले, अल्लाह उनकी रस्सी को मजीद खोले। हम तो ये माए कहते हैं कि मजीद रस्सी खोले। हम पे वो हंसते हैं, हम यहाँ से चले, हमारे बच्चों को इतना उन्होंने तशद्दुद किया कि बेचारे बेहोश हो गए। कुछ बच्चों को ले जाके कंटेनर में बंद कर दिया, हमें शोर शराबा दिखाई दिया, हमने जाके खोला तो अंदर हमारे बच्चे थे। यहाँ तक टांगे तोड़ दी किसी की, बच्चे की सुना पसलियां टूट गई है। हमें हम यहाँ पे क्या ये लेने आए हैं? मुझे ये बताएं पीएम साहब, वहाँ पे क्या रखा है? क्या आपने बिरयानी पका के रखी है, चावल बना के रखे हैं? हम तो वो भी खाने वाले नहीं है, हम तो भूखे पेट यहाँ पे बैठ के प्रोटेस्ट करने आए हैं। हमें तो जरूरत नहीं है वहाँ जाने की, आप आ जाओ जल्दी। क्यों नहीं आते हो? क्या यहाँ पे बम्बार बैठे हैं? कौन बैठा है इधर? स्टूडेंट बैठे हैं बेचारे ने हफ्ते, स्टूडेंट वो भी लाइक फाइक इस मुल्क की क्रीम बैठी है यहाँ पे और अपना हक मांग रही है, जायज हक मांग रही है। जाओ आओ हमें छूटा करो। खुद नारे बड़े लगाए थे कि इंसाफ देंगे इंसाफ देंगे इंसाफ देंगे, ये इंसाफ मिल रहा है? ये तरीके इंसाफ दे, हमें इंसाफ दे रही है? कल हम माए इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मैं पूरे इस्लामाबाद पिंडी की माओ को कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता किसी के कान में मेरी आवाज पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, लेकिन दिल कहता है कि उधारा माए निकल आओ ताकि इन बच्चों को हम पीछे रखे। फ्रंट लाइन पे माए खड़ी हूँ, माओ के देखा है सबसे पहले, और मुझे हिम्मत नहीं है कि माओ के ऊपर हाथ डाले। मैं कहूँगी उस टाइम, हर माँ कहेगी उस टाइम कि जब भी हम अपनी माँ की इज्जत कर सकते हैं, उससे प्यार कर सकते हैं, शौकत खाना बना सकते हैं, तो हम माओ की हम देखेंगे वो कितनी इज्जत करता है। क्या अपने पुलिस वालों को रोक लेगा? अपने पैसों से बनाया शौकत खाना, उस दिन कहेंगे माँ की इज्जत की है। वो तो जो भी था जैसे भी था, हमने तो अपना हीरो जाना था, उसको पहली दफा वोट दिया पहली दफा, और खुदा की कसम लग रहा है कि गलती की। बिल्कुल सही कहा।